हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम जो मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ऑन करके रखिए, उसके बिना मेरे लाइव आने का नोटिफिकेशन और हमारे वीडियो अपलोड होने का जो नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं मिल पाएगा। साथ में पल पल की अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आईपीएल 2018। तो दोस्तों, हर वीडियो में मैं आपको एक चीज हमेशा बोलता हूँ, कोई भी टीम 50 पैसे लगाओ, 60 पैसे लगाओ, 70 पैसे लगाओ, 80 पैसे लगाओ, चाहे दूसरी टीम खा के बैठो, बुक सेट करना कभी नहीं भूलना चाहिए। बुक सेट करने से आपकी लिमिट की जो होती है ना, वो सेफ्टी होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो फाइनली लास्ट के जितने भी मैचेस अगर आपने देखे हैं, अच्छे खासे जैकपॉट उड़े हैं सारे मैचेस में, और जिसने जो भी टीम ली है, मेरे हिसाब से कोई बंदा लॉस में नहीं होना चाहिए। कल की बात करूं, मुंबई इंडियंस का जो मैच था, जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर का बर्थडे था, बर्थडे के दिन सबको पता है, लास्ट ईयर भी सचिन के बर्थडे पर मुंबई हारी थी, लेकिन मुंबई 5 पैसे 6 पैसे आके हारे। तो मुंबई इंडियंस 80 82 84 पैसे का रेट आया, लोगों ने खूब लगा ली 80 पैसे 70 पैसे 60 पैसे, लेकिन क्या आपका ये चीज़ बनना बिल्कुल नहीं बनता है कि 5-10 पैसे अगर टीम आई है तो लॉस कट भी कर लिया जाए। और लास्ट 4-5 वीडियो में ये चीज़ मैं हमेशा बोल के चल रहा हूँ कि आप कोई भी टीम पर विन करें, वो टीम अगर आपको अंडर 20 पैसे मिल जाती है, बुक सेट कर लीजिए। 5-10 पैसे अगर मिल जाती है तो 5-10% में अपने रिस्क पर आपको खाना बनता है उसको, क्योंकि लास्ट जो मैच इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपको पता है कि रेट या तो ऊपर जा रहा है या वो टीम हार रही है। अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस। क्या मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जो 118 रन का स्कोर नहीं चेस कर सकती थी? अगर मैं बात करूं मुंबई इंडियंस मैच के सारे मैचेस की, फर्स्ट मैच 3-4 पैसे लगाना से हार गई, सेकंड मैच जीत के भी लास्ट विकेट से हार गई, थर्ड मैच वो भी हार गई, फोर्थ मैच जीती आरसीबी से, क्योंकि आरसीबी भी सेम मुंबई जैसी टीम है जिसमें सबसे ज्यादा जो पैसा लगता है, चौथा मैच राजस्थान रॉयल से हार गई, और वो भी सारे मैच जो हारी है ना वो लास्ट ओवर में, कल का भी मैच हार गई, कल का भी मैच 5 पैसे से हारी, परसों का भी मैच 28-30 पैसे से हारी, एक जीती है उससे पहले भी, सारे मैचेस अगर मैं बात करूं सब जैकपॉट हारी है। अब रीजन हारने का क्या है, आप लोग तो समझते होंगे कि बस प्लेयर आउट हो गए, बहुत अच्छी बॉलिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया। अब दोस्त फुल प्रूफ, या बोलो कि मैं बिल्कुल फुल स्क्रिप्ट के साथ आपको बोल दूं कि मैचेस सारे फिक्स होते हैं, ये होता है वो होता है, और ये तो ये चीज़ तो मैं तो नहीं बोल सकता आपको, लेकिन कुछ ना कुछ होता तो ज़रूर है, ये तो आपको भी पता है। नहीं तो मुंबई इंडियन जैसी टीम 118 रन का स्कोर चेज ना करे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, अब कल की बात करूं तो मुंबई इंडियंस, सचिन का बर्थडे, होम ग्राउंड, बॉलिंग भी ले ली, 118 रन का स्कोर भी चेज हो गया, वो स्कोर भी बनवा दिया चेन्नई का, उसका सनराइज हैदराबाद का, तो पैसा कहाँ लगेगा मुंबई इंडियंस पर? चाहे बंदों ने 20 पैसे कल तो 20-25 पैसे में भी लोगों ने नहीं छोड़ी होगी मुंबई इंडियंस लगाना, क्योंकि उन्हें पता है कि 20-25 पैसे का जो रेट मिल रहा है वो भी प्रॉफिट वाला ही मिल रहा है, 118 रन का 19-20 रन का स्कोर है वो तो चेज हो ही जाएगा। और ये चीज़ मैंने हमेशा बोली है कि हर लीग में 2 से 3 टीम ऐसी होती हैं जिन पर इतना पैसा लगता है, इतना पैसा लगता है, या तो वो टीम हारती हैं या मजबूरी में उनको जैकपॉट देना पड़ता है, या तो जैकपॉट से विन करेंगी या जैकपॉट देके हार जाएंगे, और यही हुआ है मुंबई इंडियंस के साथ। लास्ट ईयर आरसीबी को भी आप नहीं बोल सकते, आरसीबी बैक टू बैक मैचेस हार रही थी, लेकिन हारने के बाद हुआ क्या, लोगों की उम्मीद कभी नहीं टूटी, आज जीतेगी और एंड तक वो हारती चली गई, फिर लास्ट मैच जीती थी अपना। मुंबई इंडियंस में भी इस साल वही हो रहा है, मुंबई इंडियंस साथ में दिल्ली डीडी को भी नहीं भूल सकते हम, अगर सन 2018 की बात करूं तो इस ईयर सबसे ज़्यादा आपको जो पैसा मार्केट में जिन टीमों पर लग रहा है वो इंडिया की मोस्ट वैल्यूबल, यानी कि मोस्ट जो सिटी है, अगर मैं बात करूं नंबर वन पे आपकी आती है मुंबई दिल्ली, तो ये दो टीमें भी हैं, ये दो सिटी भी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट में लग रहा है और लगता भी है। तो सोचिए अगर ये टीम हारेंगी तो मार्केट तो प्रॉफिट में ही होगा,
और जाहिर सी बात है अगर कोई भी लीग होती है, अगर 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 मैं बात करूं क्रिकेट बैटिंग से रिलेटेड, तो क्रिकेट बैटिंग होती किसके लिए है? बुकियों के लिए। अब बुकियों के अकॉर्डिंग अगर मैच नहीं होंगे तो अब बुकी खाली हो जाएंगे दोस्त, हर कोई अगर प्रॉफिट करके बैठ जाए तो फिर ये बैटिंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा मार्केट में। तो हमेशा मैं इस चीज़ को बोल चलता हूँ, टीम कोई भी पकड़े बुक सेट करना मत भूलिएगा। बिना बुक सेट अगर आप खेल रहे हैं तो आप अपना लॉस ही कर रहे हैं दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चाहे आप 50 पैसे टीम लगाएं और 10 पैसे मिल जाती है तो बिल्कुल बुक सेट कर लीजिए दोस्त, क्योंकि 10 पैसे के लॉस से आपकी पूरी लिमिट अगर बच रही है तो उससे अच्छा बेनिफिट आपके लिए कुछ नहीं है। और अगर आप बुक सेट करना नहीं जानते हैं, अब कल का मार्केट देखो ना, कल मेरे हिसाब से 99% मार्केट जो होगा ना वो मुंबई इंडियंस पर था, और वो भी डबल लिमिट से, कोई सिंगल लिमिट से नहीं होगा, सब डबल लिमिट से। और कल पंटर भी अगर दो दो तीन तीन मैच का जो प्लस करके बैठा होगा ना, वो कल सिंगल मैच में अमाउंट आ रहा होगा, सिंगल मैच में। उसका रीजन कि पता था 70-80 पैसे का रेट भी मिल गया, मुंबई तो जीतेगा जीतेगा, सचिन का बर्थडे है, होम ग्राउंड है, सेकंड बैटिंग कर ही रही है, सब चीज हाथ में है, आज तो कोई रोक ही नहीं सकता मुंबई इंडियंस को। तो यही तो एक भरोसा होता है लोगों का जो मार्केट को डुबा देता है। अगर पूरा मार्केट एक ही टीम पर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो हार जाएगी। आपने कल देखा वो जब 115-16 रन थे, 9 विकेट थे, उस समय भी टीम 10-12 पैसे बोल रही थी, 4-5 पैसे नहीं बोली थी, 10-12-15 पैसे बोल रही थी। सोचो 118 रन का जो सबको पता हो जाएगा, और 10-12-15 पैसे का मतलब है यार फ्री के 10-12-15 पैसे मिल रहे थे, जो बड़े बड़ी मोटे मोटे जो लोग होते हैं जो अच्छा खासा पैसा लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, बुकी कभी भी लॉस में नहीं जा सकती है, ये चीज मैंने आपको हमेशा बोला है। आरसीबी के कोई भी मैच उठा के देख लो, आरसीबी के अगेंस्ट कोई नहीं जाता है, नीचे जाके जरूर कुछ लोग खा लेते हैं, लेकिन ओपन रेट 70-80 अगर पैसे आरसीबी है तो वहां से कोई भी आरसीबी के अपोजिट नहीं जाता है, और इसलिए आरसीबी हार जाती है। सेम कंडीशन मुंबई के साथ फंसी हुई है, दिल्ली भी सारे मैच इसी तरीके से हारी हुई है। तो ये चीजें ही ऐसी हैं कि आप किसी पर बिलीव नहीं कर सकते, और कोई अगर आपको ये बोल दे ऊपर से आके कि दुबई रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट और ऊपर से ऐसा कुछ आया हुआ है, तो वह तो बस सुभान अल्लाह। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए जो मार्केट में चूतिया पर फैला रहे हैं, जो आपको चूतिया बनाने या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहिए। और ये चीज़ मैं आपको हमेशा बोल के रहता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, कोई कितना भी आपको श्योर मैच दे दे, बिना बुक सेट कटिंग करके मैच में कभी मत बैठना, कभी भी गलती से भी। अगर आप बैठ गए तो मतलब आपकी लिमिट लॉस होने ही वाली है। तो 2018 में काफी अच्छे मैचेस रहने वाले हैं, और जितने भी ध्यान रखिएगा, भले ही आप अपनी टीम को बुक सेट कर लें, बुक सेट करने के बाद 5-10% से खाना मत भूलिए, हो सकता है 5-10% का आपको प्रॉफिट ना मिले, लॉस भी हो जाए, तो वो आपका लॉस लॉस नहीं होगा, आगे मैचेस में कवर होते रहेंगे। लेकिन अगर आपने खाना मिस कर दिया, और उस मिसिंग के चक्कर में अगर आप एक लिमिट जो आपको मिलने वाली थी वो रह जाती, तो बस वो आपका लॉस है, वो आपका लॉस है। और कोई भी टिपर कभी भी ये चीज नहीं बोलता है, हालांकि जहां तक है मुझे आइडिया है, जो मोस्ट वैल्यूएबल इस समय जो 4-5 साल से एक्सपीरियंस है, वो कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि अनलिमिटेड इस टीम को जिता दो, वो हमेशा ये बोलेंगे कि आज डबल लिमिट, सिंगल लिमिट, 4 लिमिट मैच पे लगा लो, और अंडर 20 पैसे टीम को बुक सेट जरूर कर लेना। और कल जिसने भी मुंबई दी है, आप किसी का भी देख लेना, उसने बुक सेट के मैच हारने बुक सेट तो करा दी होगी, उसने बोल दी होगी कि बुक सेट कर लेना, बोल के ही दिया होगा। और जिसने भी अगर 4-5 पैसे अगर कोई हैदराबाद को विन करा रहा था, तो उसने एंड में जब 118 का स्कोर बना होगा ना, तो एंड में कभी नहीं बोला होगा आपके पास के 10 पैसे, 4-5 पैसे, 10 पैसे, 12 पैसे का रेटेक खा लो, हैदराबाद जीतेगी। तो ये सब मार्केट है आपका फंसाने का नजर तरीका है, जैसे जैसे पंटर जिस तरीके से फंस सकते हैं फंसते हैं, और उनका प्रॉफिट होता है, और आप लोग इसी तरीके से फंसते रहेंगे जब तक आप बुक सेट करना नहीं सीखेंगे। लॉस कैट बुक सेट हमेशा कीजिए, प्रॉफिट निकाल के रहिए, बोथ साइड करके रखिए ऐसे मैचेस में, तभी आप बच पाएंगे, अदरवाइज नहीं बच पाएंगे। ठीक है, साथ में हमारा जो फ्री ब्रॉडकास्ट नंबर है मैं वो भी आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। आज के मैच की बात कर लेता हूँ, आज का मैच भी काफी अच्छा है, रोमांचक मैच होगा, इवनिंग में आपको मिल जाएगा। तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है वो +91 8 9 2 3 4 5 8 1 2 5 89 23 45 81 55
25। इसके अलावा आपके पास किसी अदर नंबर से कोई भी कॉल SMS आपके पास आता है, बिल्कुल फेक है, बच के रहिएगा। संजय गोयल सबसे पहले किसी को कॉल नहीं करता है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ में हमारा जो फ्री ब्रॉडकास्ट नंबर है +918077050813 और +917034427 09, इनको सबसे पहले अपने फ़ोन में सेव कीजिए। सेव करने के बाद हाय हेलो का रिप्लाई कीजिए, आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया जाएगा। और ऐड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक अगर आपको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता है हमारी तरफ से, आपको डेली हमारे फ़ोन पर DP चेक करनी है। DP तभी चेक कीजिए जब उस DP को आप फॉलो कर सकें। DP भी तभी चेक कीजिए जब आप उस DP को फॉलो कर सकें। अगर DP पर लिखा है बुक सेट 10 पैसे 20 पैसे, तो वो आपको करनी है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उस टीम को और उस DP को आपके लिए उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप उसको फॉलो कर सकते हैं बुक सेट के अकॉर्डिंग, तो ही आप उस DP को फॉलो कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, ठीक है। साथ में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग क्या कर रहे हैं, पैकेजेस या पैकेज या जो पेड मेंबरशिप के लिए आप मेरे फ्री ब्रॉडकास्ट नंबर पर SMS कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये केवल फ्री है, फ्री वालों के लिए है, फ्री ब्रॉडकास्ट है। जिसको भी पेड मेंबरशिप के लिए बारे में जानकारी चाहिए, वो केवल मुझे +918923451 पर ही कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा आपको कहीं भी कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं IPL के फर्स्ट ऑल मैचेस। ये देखिए 1-10 मैचेस की अगर मैं बात करूं, 1-10, तो 10 मैचेस जो फर्स्ट सेशन था उसमें केवल एक मैच ऐसा था जो फर्स्ट बैटिंग विन हुआ, ठीक है, टॉस विनर मैच विनर। सेकंड सेशन की बात करूं तो 11 मैच से और 20 मैच की अगर मैं यहां पर ये सेकंड सेशन की बात करूं, तो यहां पर 1-2 बस, यानी 11, 12, 13 और ये देखिए 14, 15, 1-2-3, तीन मैच ऐसे थे जो सेकंड बैटिंग विन हुए, 7 मैच फर्स्ट बैटिंग विन हुए। तो इससे क्या समझ आता है, यानी कि हर सेशन में कुछ ना कुछ अलग है, हर 10 मैच के सेशन हैं इसमें, जिसमें अकॉर्डिंग आपको प्ले कराया जाएगा। जैसे फर्स्ट में सेकंड बैटिंग विनर हुए और सेकंड में फर्स्ट बैटिंग विनर हुए। अब थर्ड सेशन की बात करूं, थर्ड है यहां 21 से, तो यहां पर अभी तक होम ग्राउंड का काम चल रहा है। होम ग्राउंड में 3 मैचेस हुए हैं, 2 मैचेस जो है ना वो नॉन होम ग्राउंड टीम ने विन किए हैं और रन से भी हुए हैं, ठीक है। तो आगे के मैचेस हैं, अच्छे मैचेस हैं। अगर मैं बात करूं तो अभी RCB चेन्नई का मैचेस है, सनराइज हैदराबाद, किंग्स इलेवन पंजाब के मैचेस हैं, दिल्ली कोलकाता का है, चेन्नई मुंबई का। तो अभी फिर भी जो मैचेस है ना, बहुत आज का मैच तो बहुत जबरदस्त होने वाला है, RCB और चेन्नई का, उसके बाद सनराइज हैदराबाद, किंग्स इलेवन पंजाब का भी बहुत शानदार होगा, दिल्ली का, कोलकाता का भी, ठीक है। तो चेन्नई, मुंबई, राजस्थान, सनराइज, अब जो मैचेस होने वाले हैं ना, वो सब वो जो बोलते हैं ना बुकियों के मैचेस होते हैं, पंटर के मैचेस, स्टार्टिंग के 10-12 मैचेस होते हैं ना वो पंटर के होते हैं, जिसमें पंटर को प्रॉफिट होता है। उसके बाद के जो मैचेस होते हैं वो धीमे धीमे सारे बुकियों के पास चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये सीरीज है ही उनके लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप लोग सेफली प्ले करेंगे तभी आपके लिए है, अदरवाइज नहीं है। अरे आपको कोई भी टीम मेरी तरफ से या कहीं और से आपको मिलती है, अगर आप बुक सेट करना नहीं सीख पाए तो आपको प्लस नहीं हो सकते सीरीज में। हो सकता है 1-2 मैच आपके रॉन्ग हो, उसके बाद हो सकता है एक ही मैच में 3-4 लिमिट प्लस भी हो जाए। तो बिलीव बना के रखना पड़ता है दोस्त, बिलीव जिसे बोलते हैं। जब तक आप किसी भी बंदे के साथ बिलीव नहीं बना सकते, उसके साथ खेलने का भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आपको जिस तरीके से बताएगा आप उसे फॉलो करोगे नहीं, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आगे के मैचेस हैं, बहुत ही शानदार हैं। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पर प्रॉपर अपडेट्स आपको पल पल की मिलती रहेगी। फ्री ब्रॉडकास्ट नंबर मैंने आपको बता दिया है, पेड मेंबरशिप मैंने आपको, पेड हमारी सर्विस का जो नंबर है वो भी आपको बता दिया है। हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है IPLT20prediction.com और .in को विजिट करना मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको पल पल की जो अपडेट्स है वो मिलती रहती हैं। साथ में YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर ऑन करिएगा, तभी आपको हमारे जो वीडियो के अलर्ट हैं सबसे पहले मिल पाएंगे, अदरवाइज नहीं मिल पाएंगे वो भी, ठीक है। तो मैं आपको मार्केट लोड से रिलेटेड हर मैच की मार्केट लोड कैसे क्या हुआ, कैसे क्या, हर चीज़ की अपडेट से रिलेटेड आपको वीडियो अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो उन सबको फॉलो कीजिएगा। चलिए, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।